हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बना रही हूँ बाटी फ्लेवर रोटी। ये बिल्कुल बाटी के जैसा ही स्वाद आता है इस रोटी में, क्योंकि इसमें सारा इंग्रेडिएंट्स वही है, बस इसका आकार चेंज हो गया है। इसको रोटी जैसे हम बना लेते हैं। अगर हम गैस पर बाटी नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से रोटी बना लेंगे तो भी बाटी का ही स्वाद आएगा। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सत्तू, और हम इसे चना पीस कर तैयार करेंगे। चने का छिलका नहीं निकालना है। अब एक बड़े बर्तन में हम सत्तू को डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चने की, नमकीन, कटे हुए काजू, गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा सा ही, नमक स्वादानुसार हमें डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे खड़ी सौंफ, मंगरैल, अजवाइन, थोड़ी सी धनिया, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला से बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और कद्दूकस की हुई अदरक। अदरक और लहसुन हमें थोड़ी ज़्यादा ही डालना है। हरी मिर्ची डाल देना है। हरा धनिया और नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। प्याज हमने काट कर ले लिया है लंबाई में, क्योंकि ये पकने पर कम हो जाती है, इसलिए इसे हमें लंबाई में काटना है। और मसाल के अच्छे से मिला लिया है। अब ये सत्तू बनकर के तैयार है। अभी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। लोई हम थोड़ी बड़ी ही लेंगे, क्योंकि रोटी हमारी बनाते समय फटे ना। इसमें हम अच्छे से सत्तू भर लेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। एक मैं हाथ से आपको बेल कर दिखा रही हूँ। इसको हम हाथ से दबाते हुए बेलेंगे। इसमें हम बेलन से नहीं बेलेंगे, ये और भी अच्छी बनती है। इस तरीके से हम इसको हाथ से बढ़ाते हुए बेल लेंगे और ये हमारी रोटी बन गई है। अब इसको हम तवे पर सेकेंगे। एक साथ हम 2-3 रोटी रख सकते हैं। इसको हमें धीमी आंच पर पलट कर सेक लेना है तवे पर। जब अच्छे से तवे पर पक जाए तब हम इसको गैस पर थोड़ी देर सेकेंगे धीमी आंच पर। और कितनी अच्छी सुनहरी रोटी बनकर के हमारी तैयार है, और इसका स्वाद बिल्कुल बाटी जैसा आता है। तो आप अगर बाटी नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से रोटी बना करके बाटी का स्वाद आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से बाटी फ्लेवर में रोटी बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो इसका पराठा भी सेक सकते हैं, और इसे हम गर्मा गर्म चोखा के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।